पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बदमाशों ने जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या की है, उसके बाद से उनके फैंस, उनका परिवार गम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाले का आखिरी गाना इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला ने 2 हफ्ते पहले ही अपना नया गाना रिलीज किया था। अब सिंगर का आखिरी गाना धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने के जो लिरिक्स हैं, उनको सुनने के बाद फैंस और परिवार में और भी ज्यादा मातम छाया है। दरअसल सिद्धू के गाने के लिरिक्स में सिद्धू ने अपनी जवानी में मरने का जिक्र किया है। इसी को लेकर ये गाना इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 29 मई को सिद्धू को पंजाब के मनसा में गोली मार दी गई थी। बताया जाता है कि हमलावर काली गाड़ी में उन्हें मारने आए थे। गोली लगने के बाद सिद्धू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। हाल ही में उनका आखिरी गाना लेवल्स रिलीज हुआ था, लेकिन उनका एक और गाना अब फिर से वायरल हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला ने 2 हफ्ते पहले अपना नया गाना द लास्ट राइड रिलीज किया था। ये गाना सुनने के बाद जितने भी उनके फैंस हैं या जितने उनके जाने वाले हैं, उनका कहना है कि शायद सिद्धू को एहसास हो गया था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी गाना होगा। दरअसल इस गाने के लिरिक्स में सिद्धू ने अपनी जवानी में मरने का जिक्र किया था। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला गाते हैं कि एदा उठूंगा जवानी विच जनाजा मिठिए। इसका मतलब है कि जवानी में ही जनाजा उठेगा। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 साल के थे। सोशल मीडिया पर सिद्धू के आखिरी गाने के वीडियो के भी काफी चर्चे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू को गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी थी। सोर्सेस के माने तो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। साल 2019 से सिद्धू मूसेवाला कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से सिद्धू परेशान भी चल रहे थे। सिद्धू अपने एक नए टूर का प्रमोशन करने में भी लगे थे। 4 जून से सिद्धू मूसेवाला म्यूजिक टूर पर निकलने वाले थे, लेकिन कल जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की मनसा में हत्या कर दी गई, उसके बाद से उनके परिवार वाले, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, अभी तक सब लोग सदमे में हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, उसके बाद उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनका परिवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है।